हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं हूँ आपका दोस्त प्रभात। फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स ने कमेंट किया है कि सर इन्वर्टर का सर्किट दो, इन्वर्टर बना दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको इन्वर्टर ज़रूर दूंगा, मगर इन्वर्टर बनाने से पहले ये सर्किट बहुत ज़रूरी है कि जब भी बिजली जाएगी इन्वर्टर ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, बिजली आती ही ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। यह सर्किट बहुत ज़रूरी है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, यह है हमारा सर्किट डायग्राम और ये जो एसीडीसी लिखा है ये मोबाइल का चार्जर का सर्किट है। सबसे पहले हम एक मोबाइल का चार्जर लेंगे। एक ऑर्डिनरी मोबाइल का चार्जर है, कोई स्मार्टफोन का चार्जर नहीं है। देखिए यहाँ पे एक स्क्रू है, स्क्रू को हमें ओपन करना है। ये देखिए, ये है मोबाइल के चार्जर के अंदर का सर्किट बोर्ड, कुछ इस तरह से दिखता है, आपको तो पता ही होगा। अब हमें इस सर्किट बोर्ड के पीछे लगे दो वायर को निकालना पड़ेगा। लीजिए, हमने वायर को निकाल दिया है और देखिए ये दोनों आउटपुट है। देख लीजिए, ये दोनों आउटपुट है। अब हम दो रिले लेंगे। ये 6 वोल्ट डीसी का रिले है, मोबाइल के चार्जर से 5 वोल्ट निकलती है और 5 वोल्ट से भी ये एक्टिवेट हो जाता है, इसलिए मैंने इसे यूज़ किया है। अब हम इसे एक ये पीसीबी बोर्ड पर बिठाएंगे। लीजिए, हमने इसे पीसीबी बोर्ड पर सेट कर दिया है, आप देख लीजिए। अब हम इस पर सोल्डरिंग करेंगे। लीजिए, हमने शोल्डरिंग कर लिया है, देखिए। अब रिले को एक्टिवेट करने के लिए हम पहला वायर लगाएंगे। डायग्राम में देखिए, ये वाले वायर को हमें कनेक्ट करना है, चलिए करते हैं। देखिए, हमने वायर को कनेक्ट कर दिया है, हमें इसी तरह से कनेक्ट करना है, दोनों रिले को एक साथ कनेक्शन करना है एक ही वायर में। अब हम सेकेंड वायर को भी लगा लेंगे। डायग्राम में देखिए, इस वाले वायर को हमें शोल्ड करना है, चलिए करते हैं।
लीजिए हमने सोल्ड कर दिए है, मगर ये तो रिले के एक साइड पे हम सोल्ड किए हैं, दूसरे साइड को भी सोल्ड करना पड़ेगा, इसलिए एक वायर से हमें दोनों साइड को सोल्ड करना पड़ेगा। डायग्राम में देखिए, इस वायर को सोल्ड करना है क्योंकि ये वायर दोनों को आपस में कनेक्शन देता है। लीजिए हमने कनेक्शन कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। अब देखिए हम ये दोनों वायर मोबाइल के चार्जर के सर्किट बोर्ड से कनेक्ट करेंगे। आप देख लीजिए ये दोनों वायर को हमें सोल्ड करना है। और अब जो दो वायर हमने अभी अभी लगाए हैं, उन दोनों वायर को इस बोर्ड से कनेक्ट कर दो, कोई भी कनेक्ट कर दो, क्योंकि रिले में प्लस माइनस नहीं होता है, बस डीसी देने से मतलब है। लीजिए हमने शोल्डरिंग कर दिया है, आप देख लीजिए। अब देखिए हमें ये चार्जर के इनपुट के ये दो पिनों को निकालना पड़ेगा। सब चार्जर में ऐसा नहीं होता, कुछ चार्जर में वायर लगा होता है और जिस चार्जर में ऐसे सिस्टम है उस चार्जर से ये पिन निकालना होगा। इस पिन को निकालने का तरीका भी बता देता हूँ। पहले सीजर को अंदर घुसाइए और पिन के पीछे सोल्डरिंग आयरन को जस्ट टच कीजिए और ये देखिए ये निकल जाता है। अब हम उस पिन की जगह दो वायर लगाएंगे। डायग्राम में देखिए, ये देखिए ये दो वायर हमें कनेक्ट करना है, चलिए करते हैं। लीजिए हमने कनेक्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब हम जो वायर लगाए हैं अभी अभी उस वायर को बोर्ड पर लगाएंगे। देखिए हमने लगा दिए है, आप देख लीजिए। अब हम मेन इनपुट के वायर की कनेक्शन करेंगे। डायग्राम में देखिए ये दोनों वायर की हमें कनेक्शन करना है। देखिए हमने ये वायर को लगा दिए हैं। अब हम आउटपुट के वायर को लगाएंगे। लीजिए हमने ये वायर को भी लगा दिए हैं, आप देख लीजिए। अब हम इन दोनों वायर से इनपुट की कनेक्शन करेंगे। डायग्राम में देख लीजिए ये दोनों वायर हमें लगाना है, चलिए लगाते हैं। लीजिए हमने वायर को लगा दिया है, आप देख सकते हैं।
अब हम 220 वोल्ट इनपुट के दो वायर की कनेक्शन करेंगे। आप डायग्राम में देख लीजिए, ये देखिए ये दोनों वायर की हमें कनेक्शन करना है। लीजिए हमने लगा दिए है, आप देख लीजिए। अब देखिए अब तक हमने लगाया है ये 220 वोल्ट इनपुट आउटपुट, और अदर जो आउटपुट इनपुट है उसे लगाना बाकी है, इसे हम अभी लगाएंगे। चलिए लगाते हैं। लीजिए हमने ये लगा दिया है। अब देखिए उस अदर इनपुट वायर के साथ हम रिले की कनेक्शन करेंगे। डायग्राम में देखिए, देखिए ये दोनों वायर की हमें कनेक्शन करना है। लीजिए हमारे सर्किट का पूरा कनेक्शन हो चुका है, आप देख लीजिए। चलिए अब हम इसे टेस्ट करेंगे। देखिए अब हमें तीनों अलग अलग वायर मिल चुके हैं, चलिए टेस्ट करते हैं। आप लोगों को समझाने के लिए मैं दो तरह के एसी करंट का इस्तेमाल करूंगा। देखिए ट्रांसफार्मर से हमें थोड़ा ऐसे ही मिलेगा मगर थोड़ा कम वोल्टेज मिलेगा, देखते हैं कितने मिलते। देखिए 28 से 29 वोल्ट निकल रहा है एसी, ये डीसी नहीं ये एसी है, 28 से 29 वोल्ट तक निकल रहा है। चलिए अब घर के बिजली को नाप कर देखते हैं कि कितने वोल्ट मिलते हैं हमें। देखिए 235 वोल्ट निकल रहा है, मतलब ये दोनों अलग अलग बिजली है, हमें पता चल जाएगा। हम टेस्ट करते हैं आपको पता चल जाएगा। देखिए स्विच ऑन करते ही 232 वोल्ट, यहाँ पे आप फोकस कीजिए। अगर मैं इस वायर को निकाल लूं, देखिए इस वायर को अगर मैं निकाल लूं, देखिए 28 से 29 वोल्ट आ रहा है, मतलब ट्रांसफार्मर के वोल्टेज आ रहा है। और जब भी मैं कनेक्शन दे देता हूँ तो देखिए 231 32 इतना वोल्ट आता है, तो उसका मतलब अगर बिजली आती है तो बिजली का पावर ही आ जाता है, और अगर बिजली चली जाती है तो ट्रांसफार्मर का पावर उसमें घुस जाता है, मतलब यही चेंजर का फॉर्मूला है। ये बस इतना सा ही था मेरा वीडियो में। अगर अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।